करतार सिंह सराभा। फांसी पर झूलने से पूर्व सराभा ने यह शब्द कहे हैं, भगवान मेरी यह प्रार्थना है कि मैं भारत में उस समय तक जन्म लेता रहूं जब तक कि मेरा देश स्वतंत्र न हो जाए। सरदार करतार सिंह सराभा, जन्म 24 मई 1896 लुधियाना, मृत्यु 16 नवंबर 1915, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्हें अपने शौर्य, साहस, त्याग एवं बलिदान के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। महाभारत के युद्ध में जिस प्रकार वीर अभिमन्यु ने किशोरावस्था में ही कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु का आलिंगन किया था, उसी प्रकार सराभा ने भी अभिमन्यु की भांति केवल 19 वर्ष की आयु में ही हंसते हंसते देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उनके शौर्य एवं बलिदान की मार्मिक गाथा आज भी भारतीयों को प्रेरणा देती है और देती रहेगी। यदि आज के युवक सराभा के बताए हुए मार्ग पर चले तो न केवल अपना अपितु देश का मस्तक भी ऊंचा कर सकते हैं। क्रांति का प्रभाव 1905 ही के बंगाल विभाजन के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, जिससे प्रभावित होकर करतार सिंह सराभा क्रांतिकारियों में सम्मिलित हो गए। यद्यपि उन्हें बंदी नहीं बनाया गया, तथापि क्रांतिकारी विचार की जड़ें उनके हृदय में गहराई तक पहुंच चुकी थी। लाला हरदयाल का साथ 1911 में सराभा अपने कुछ संबंधियों के साथ अमेरिका चले गए। वे 1912 में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वहां पर एक अमेरिकन अधिकारी ने उनसे पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? सराभा ने उत्तर देते हुए कहा, मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आया हूं। किंतु सराभा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। वे हवाई जहाज बनाना एवं चलाना सीखना चाहते थे, अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक कारखाने में भर्ती हो गए। इसी समय उनका संपर्क लाला हरदयाल से हुआ, जो अमेरिका में रहते हुए भी भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील दिखे। किंतु सराभा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। वे हवाई जहाज बनाना एवं चलाना सीखना चाहते थे, अतः इस उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में रहकर कई स्थानों का दौरा किया और भाषण दिए। सराभा हमेशा उनके साथ रहते थे और प्रत्येक कार्य में उन्हें सहयोग देते थे। साहस की प्रतिमूर्ति करतार सिंह सराभा, साहस की प्रतिमूर्ति। उन्होंने सभा में भाषण देते हुए कहा था, मुझे ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दे सके। इस पर सर्वप्रथम करतार सिंह सराभा ने उठकर अपने आप को प्रस्तुत किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच लाला हरदयाल ने सराभा को अपने गले से लगा लिया। संपादन कार्य इसी सभा में गदर नाम से एक समाचार पत्र निकालने का निश्चय किया गया, जो भारत की स्वतंत्रता का प्रचार करे, इसे कई भाषाओं में प्रकाशित किया जाए और जिन जिन देशों में भारतवासी रहते हैं उन सभी में इसे भेजा जाए। फलक 1913 ई में गदर प्रकाशित हुआ। इसके पंजाबी संस्करण के संपादक का कार्य सराभा ही करते थे। योजना की असफलता 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो अंग्रेज युद्ध में बुरी तरह फंस गए। ऐसी स्थिति में गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोचा और योजना बनाई कि यदि इस समय भारत में विद्रोह हो जाए तो भारत को आज़ादी मिल सकती है, अतः अमेरिका में रहने वाले 4000 भारतीय इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर गोला बारूद और पिस्तौलें खरीदी और जहाज में बैठकर भारत के लिए रवाना हो गए। उन लोगों में से एक सराभा भी थे, लेकिन कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही भेद खुल जाने के कारण बहुत से लोगों को गोला बारूद सहित मार्ग में एवं कुछ को भारत के समुद्री तट के किनारे पर पहुंचने से पूर्व ही बंदी बना लिया गया। सराभा अपने साथियों के साथ किसी प्रकार से बच निकलने में सफल रहे। अब पंजाब पहुंचकर उन्होंने गुप्त रूप से विद्रोह के लिए तैयारियां आरंभ कर दी। क्रांतिकारियों से भेंट, सराभा ने गुप्त रूप से क्रांतिकारियों से मिलने का निश्चय किया ताकि भारत में विप्लव की आग जलाई जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी,
राजबिहारी बोस, शचीन्द्रनाथ सान्याल आदि क्रांतिकारियों से भेंट की। उनके प्रयत्नों से जालंधर की एक बगीची में एक गोष्ठी प्रेरित किया। वस्तुत सराभा ने पंजाब की समस्त फौजी छावनियों में विप्लव की अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। उन असफलता राजबिहारी बोस छद्म वेश में लाहौर में एक मकान में रहते थे। सराभा उनके पास मिलने के लिए आते जाते रहते थे। योजना के अनुसार 21 फरवरी 1915 ई का दिन समस्त भारत में क्रांति के लिए निश्चित गया था, पर 15 फरवरी को ही भेद खुल गया। हुआ यह कि एक गुप्तचर क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गया था। उसे जब 21 फरवरी को समस्त भारत में क्रांति होने के बारे में जानकारी मिली, तो उसने 16 फरवरी को उस भेद को ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रकट कर दिया। फलत चारों ओर जोरों से गिरफ्तारियां होने लगी। बंगाल तथा पंजाब में तो गिरफ्तारियों का तांता लग गया। राजबिहारी बोस किसी प्रकार लाहौर से वाराणसी होते हुए कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता चले गए और वहां से छद्म नाम से पासपोर्ट बनवाकर जापान चले गए। गिरफ्तारी राजबिहारी बोस ने लाहौर छोड़ने से पूर्व सराभा को काबुल चले जाने का परामर्श, अतः उन्होंने काबुल के लिए प्रस्थान कर दिया। जब वे वजीराबाद पहुंचे, तो उनके मन में यह विचार आया कि इस तरह छिपकर भागने से अच्छा है कि वे देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़कर अपने प्राण निछावर कर दें। किसी ने ठीक ही लिखा है, वीर मृत्यु से कभी न डरते, हंसकर गले लगाते हैं, फूलों की कोमल शैया समझ सूली पर सो जाते हैं। सराभा के मन में ऐसा विचार आते ही वे वजीराबाद की फौजी छावनी में चले गए और वहां उन्होंने फौजियों के समक्ष भाषण देते हुए कहा, भाइयों, अंग्रेज विदेशी है, हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए, हमें आपस में मिलकर अंग्रेजी शासन को समाप्त कर देना चाहिए। सराभा ने गिरफ्तार होने के लिए ही ऐसा भाषण दिया था, फलत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस अवसर पर उन्होंने बड़े गर्व के साथ स्वीकार किया कि वे अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए सैनिक विद्रोह करना चाहते थे। मुकदमा करतार सिंह सराभा पर हत्या, डाका, शासन को उलटने का अभियोग लगाकर लाहौर षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाया गया। उनके साथ 63 दूसरे आदमियों पर भी मुकदमा चलाया गया था। सराभा ने अदालत में अपने अपराध को स्वीकार करते हुए ये शब्द कहे, मैं भारत में क्रांति लाने का समर्थक हूँ और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमेरिका से यहाँ आया हूँ। यदि मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार मेरा जन्म फिर से भारत में होगा और मैं मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए काम कर सकूंगा। जज ने उन 63 व्यक्तियों में से 24 को फांसी की सजा सुनाई। जब इसके विरुद्ध अपील की गई, तो 7 व्यक्तियों की फांसी की सजा पूर्ववत रखी गई थी। उन 7 व्यक्तियों के नाम थे करतार सिंह सराभा, विष्णु पिंगले, काशीराम, जगत सिंह, हरिनाम सिंह, सज्जन सिंह एवं बख्शीश सिंह। फांसी पर झूलने से पूर्व सराभा ने यह शब्द कहे है, भगवान मेरी यह प्रार्थना है कि मैं भारत में उस समय तक जन्म लेता रहूं जब तक कि मेरा देश स्वतंत्र न हो जाए। फांसी 16 नवंबर 1915 ई को सराभा हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। जज ने उनके मुकदमे का निर्णय सुनाते हुए कहा था, इस युवक ने अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक अंग्रेज शासन को उलटने का प्रयास किया। इसे जब और जहां भी अवसर मिला, अंग्रेजों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया। इसकी अवस्था बहुत कम है, किंतु अंग्रेजी शासन के लिए बड़ा भयानक है।